हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज़ प्रियंका। और हम लोग जो है वापस घर पे आ चुके हैं। और आज है थर्सडे। और मैं मतलब जब हम लोग आए थे तो इतना ज़्यादा अनपैकिंग रिदा रही हूँ, तो फिर कुछ भी टाइम नहीं मिला है। तो हम लोगों ने जब ट्रिप स्टार्ट की थी तो आई वॉज़ वेरी नर्वस, क्योंकि रिदा अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। एंड हम लोग ट्रेन से गए थे, तो ट्रेन से जो ट्रैवल है वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है। तो और मुझे सबसे ज़्यादा रेहू की नहीं बट रिदा की बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी नर्वस कि रिदा को लेके हम लोग अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो कैसे मैनेज करेंगे, वो क्रैंकी ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें थी। बट टचवुड, ऑफ कोर्स महाकाल बाबा की कृपा से जो है अच्छे से दर्शन हो गए और कुछ भी मतलब हम लोगों को कोई भी जो है दिक्कत नहीं हुई है थ्रू आउट द जर्नी। हम लोग हमारी दोनों ही जो ट्रेन थी जाने की और आने की वो रात की थी, तो कुछ भी हेक्टिक नहीं था, क्योंकि एज यूजुअल रिदा का सोने का टाइम होता है, तो थ्रू आउट वो लोग सो रहे थे अच्छे से। और फिर जो है अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो हम लोगों ने एक्चुअली वीआईपी दर्शन लिए थे, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जो है भीड़ होती ही है, तो अगर हम मतलब उसमें नॉर्मल में जाते तो आई गेस 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते। लेकिन हमने वीआईपी टिकट्स जो है ली थी, तो हमारे जो दर्शन है आई गेस 10 to 15 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गए थे। एंड मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे जो है इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा स्टाफ था पूरे परिसर में, पूरे मंदिर परिसर में इतना अच्छा स्टाफ था, अच्छे से मतलब वो आपको यू नो कि जहाँ पे मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको चलो चलो चलो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जो है अगर रिदा को क्योंकि मैंने बेबी कैरियर लिया था तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिदा मेरे साथ ही बेबी कैरियर में थी, तो उसकी वजह से जो है रिदा अगर आप उसको लेके घूमते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो मतलब पूरे दिन जो 2 दिन हम लोग घूमे हैं वो ज़रा से भी क्रैंकी नहीं हुई है, ज़रा से भी उसने मतलब रोया भी नहीं है। और क्योंकि मंदिर के अंदर हम लोग जाने वाले थे तो जो है मैंने क्योंकि रिदा ब्रेस्ट फीड पे है, हम लोग उसको जो है टॉप अप मिल्क नहीं देते हैं, बट उसी की वजह से जो है मैंने थ्रू द ब्रेस्ट पंप उसके लिए अलग से मिल्क ले लिया था बॉटल में, कि अगर वहाँ पे कोई जगह ना मिले तो। बट उसने वो टच ही नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो हंगरी थी या भूख लगी थी और खाने के लिए रो रही थी, बट उसने बॉटल से खाना खाया ही नहीं। ओवरऑल हमारी जर्नी दो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। और आई गेस बिकॉज कि हमने अच्छे से प्लान भी किया था कि यू नो कब कहाँ कैसे जाना है, एंड हमने माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सी रखा था कि अगर दर्शन होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो फिर जैसी ऊपर वाले की मर्जी, बट अच्छे से हो गए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी रही। अगर मुझे रिदा को कहीं पे ट्रिप पे जर्नी पे लेके जाना होगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज यू कैन सी ये जो है इतने सारे नए टॉयज आए हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं घर की हालत, आपको टॉयज ही टॉयज दिखेंगे। बट आई नेवर माइंड कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो कहाँ पे जगह करके खुद बैठ जाओ, क्योंकि कितनी भी बार इसको हम क्लियर करें वो वापस वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसको एक साथ बहुत सारी चीज़ें खेलनी होती है। अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी जो है सर्दियाँ जो है विंटर स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो है हरी हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा आती है और उसे खाने में और बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मटर जो है छील के मैंने रखे थे, एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा थे बट उसकी मैंने जो है पाव भाजी में यूज़ कर दिए।
तो मटर मैंने मंगवाए थे, एक्चुअली फ्रोजन है मेरे पास, बट क्योंकि अभी अवेलेबल है तो मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, क्यों फ्रोजन यूज़ करें। तो जो है मैंने आई गेस मिक्स वेज बनाने के लिए मंगवाए थे, बट वो तो बना नहीं, मैंने उससे पहले पाव भाजी में यूज़ कर दिए। और अभी जो है कैबेज मटर आलू की सब्जी बनेगी तो उसमें यूज़ होंगे। गाइस, सो सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। रिदा जो है सो रही है, उसकी मालिश हुई है, उसने भी ना लिया है। टोडलर थिंग, तो पता ऐसा पता था कि टोडलर जो है उनका स्टेज चेंज होता है, बट इतना ज़्यादा होता है पता नहीं था। इन दिनों तो मतलब मैं पता नहीं कौन से जोन में अपनी लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन इतनी जिद। यस, ओ यू गॉट बूबू, तो हर चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा ज़िद, इतनी ज़्यादा ज़िद। और ऐसा नहीं है कि आई एम द परफेक्ट मॉम, मैं ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इरिटेशन होता है, चिल्लाती भी हूँ, इवन उसको मतलब देती भी हूँ, क्योंकि आई नो कि वो लोग समझते नहीं है जो भी आप बोलते हैं, वो लोग अभी इस वक्त नहीं समझते हैं, बट समटाइम्स इट हैपन्स। एंड जो है एवरी डे मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तो जो है एवरी डे मैं खुद को यू नो इम्प्रूव करने की ट्राई करती हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। एंड बिकॉज अभी रीदा है तो यू नो फुल अटेंशन उसको नहीं दे पाती हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि उसके साथ खेलूँ। यू नो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग चेंज, तो वो बहुत ही ज़्यादा यू नो सिक करता है कि नो यू स्टे हियर, यू स्टे हियर, यू प्ले विथ मी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसको अच्छे से अच्छा क्वालिटी टाइम दो, क्योंकि आई गेस ये अभी एक साल, फिर तो मतलब पूछेगा भी नहीं कि हुआ यू। सो नाउ आई एम इन किचन और यहाँ पे जो है हल्दी को नमक और
लेमन जूस में मैरिनेट करके रखा है। अभी एक वीक हो गया है हम लोग आए हैं उज्जैन से, तो हम लोगों ने कुछ भी बाहर का नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी घर का खाना, क्योंकि क्रेविंग्स जब होती है तब खा तो लेते हैं, बट उसके बाद जो गिल्ट होता है ना। और मैंने जो है कुछ मीठा भी कभी मतलब जो दिवाली पे बनाया था तो वो इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ आई थी, तो मैंने कुछ भी मीठा नहीं बनाया था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि जो है कैरेट्स आ गए हैं तो गाजर का हलवा बना लूँ संडे को। और फाइनली आज जाके जो है मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हलवा बनाने के लिए, जो कि आई गेस 2-3 दिन से पेंडिंग था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड ऑफ कोर्स नीतू वाज आल्सो बिजी। तो यहाँ पे जो है कैरेट ग्रेट किया हुआ रेडी ही है। माय क्यूटी पाई इज आल्सो रेडी रिदू, वो मुझे मतलब साथ देने के लिए यहाँ पे है। तो बस फटाफट से जो है हलवा बनाने के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। पहले तो जो है हलवे में डालने के लिए जो है आई गेस मैंने चेक कर लिया है कि सब कुछ है या नहीं, बट ड्राई फ्रूट्स पता नहीं है या नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब प्रेशर कुकर में जो है जल्दी से जो बनने वाला हलवा है वो बनाते हैं, बट आई गेस जो भून के उसकी जो एक फ्रेग्रेंस होती है और वो जो बनता है ना, वैसे प्रेशर कुकर में आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले जाएगा घी, और ये बिल्कुल ही फ्रेश घर का बनाया हुआ घी है, और फिर इसमें जो है जाएगा ग्रेटेड कैरेट। तो बस इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भुनना है। और जैसे ही हम धीमी आंच पे जब इसको भूनेंगे और जो इसका एक टेक्सचर बनता है तो वो एक अलग ही फ्लेवर देता है हमारे हलवे को। बस अब इसको हल्का सा जो है कवर कर दिया है ताकि जो भी और फ्लेम जो है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है तो जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। एंड हियर शी इज रिदू। तो आज संडे है बट नीतू घर पे नहीं है, उनको कुछ काम आ गया, तो रेहू भी साथ में गया है, तो हम दोनों जो है वो अकेले है घर पे। सो रिदा इज जो, तो रिदा जो है वो कंपनी दे रही है मुझे। और यहाँ पे जो है बीच बीच में मैं इसको जो है ऐसे चलाती रहूंगी वरना जल ना जाए। अभी मॉइस्चर है बट फिर भी, एंड अगर आप देख सकते हैं तो अब इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो टेक्सचर जो है वो चेंज हो चुका है। नाउ आई विल ऐड शुगर, और यहाँ पे जो है मैंने कोई प्रोपोर्शन नहीं लिया है। एक्चुअली मैं कुछ भी जो भी खाना बनाती हूँ कोई भी प्रपोर्शन नहीं होता है, मैं सिर्फ अंदाजे से ही सब कुछ ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे शुगर भी मैंने जो है अंदाजे से ही डाली है। बस और फिर अगर मुझे लगेगा
तो मैं डालूंगी और अब जो है मैं ऐड करूंगी मिल्क। यहाँ पे जो है मिल्क मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि जितना भी मतलब ज्यादा हम मिल्क लेंगे तो जो है उसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी होगा। दैट्स इट। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, ऊपर से हम थोड़ा और डालेंगे लेकिन इस स्टेज पे भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। बस आप इसको जो है कवर करके पकने देना। तो गाजर का हलवा रेडी हो गया है। आई गेस बिकॉज ऑफ लाइट आपको जो कलर है वो परफेक्ट रेड नहीं दिख रहा होगा, बट विदाउट एनी यू नो आर्टिफिशियल कलर यहाँ पे जो है गाजर का रेड कलर जो है वो आया है। बस अब इसको अच्छे से थोड़ा सा इलायची पाउडर और सम आलमंड एंड कैश्यूज और हमारा जो हलवा है वो रेडी है। तो हलवा रेडी हो गया है और आई गेस हलवे को जो है पौने घंटे तक मैंने जो है भुना है। जितना ज़्यादा धीमी आंच पे वो भुनेगा उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा, ट्रस्ट मी। और अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है बट आई गेस फ्रेग्रेंस से ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा यम बना है। और अभी बज चुके हैं शाम के 7 और रिदा जो है वो सो गई है। मैंने उसको एक्चुअली हाथ में लेके ही बनाया है, वो जस्ट अभी अभी सोई है। और बस इस ब्लॉग को जो है मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।